आज हम नाइफ के 5 अटैक्स के बारे में फिर से बात करेंगे और आज हम इसे रियलिटी बेस्ड समझेंगे कि इसमें जो हम ड्रिल करते हैं उस ड्रिल का और जो रियल जो अटैक हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट गिव मी एंगल वन, एंगल वन, एंगल टू दो, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर एंड एंगल फाइव। ये हमारे एंगल फाइव हैं। फाइव एंगल पे हम जब प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम स्टिक से प्रैक्टिस कर रहे हैं और या हम इस तरह के नाइफ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम प्रैक्टिस इस तरह से करते हैं। एंगल वन, वन, ओके, टू एंड थ्री एंड फोर एंड फाइव, ओके। और अगर आप लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट से प्रैक्टिस ना करें, उसके लिए आप स्टिक बना सकते हैं। स्टिक से ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। जो लोग क्लास में हैं वो लोग भी ध्यान रखें कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से प्रैक्टिस ना करें। चलिए तो अब हम इसे रियलिटी बेस्ड अगर हम देखें, ये तो हमारा फर्स्ट, दोबारा से मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे वन एंगल वन दो, हम यहाँ टच कर रहे हैं, जैसे एंगल वन इज कटिंग मी थ्रू हियर, ओके, एंड आई एम गोइंग दिस साइड। और क्योंकि ये क्लोज क्वार्टर में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लोज क्वार्टर का मतलब है कि ये मुझे टच कर सकता है और मेरे पास वापस पीछे जाने की कोई जगह नहीं है, तो इसलिए हम करेंगे क्या कि यही हमें इसे काउंटर करना है, क्योंकि मैं पीछे नहीं जा सकता। अगर मेरे पास पीछे जाने का स्पेस है तो मेरा पहली चीज़ क्या होगी, मैं पीछे जाऊँगा और हाथ टारगेट करूँगा और कट कर लूँगा। गिव मी एंगल वन, जैसे उसने एंगल वन दिया, मैं पीछे गया, आई विल कट द हैंड, ओके, इन रियलिटी। बट अगर मेरे पास पीछे जाने का स्पेस नहीं है कम, तो मैं इसे ब्लॉक करूँगा, ब्लॉक करने के साथ इसे होल्ड करूँगा। बट फिर भी अगर हम इसे बिल्कुल रियलिटी की बात करें कि जहाँ पर मेरे हाथ में वेपन है, इसके हाथ में भी वेपन है, तो हम यहाँ प्लेस करने के बजाय या तो यहाँ प्लेस करेंगे या यहाँ प्लेस करेंगे। तो फाइव एंगल में हाथ में हैंड में प्लेसमेंट कैसे किया जाता है उसको देख लेते हैं। एंगल वन, दिस इज वन, आई विल गो इनसाइड, I will cut the hand, then I will hold, then we can go this side. So come all five angle, one, two, I will go this side, okay, I will cut the hand, I will chop this, three, this side, I will pass this, and then four, this side, I will cut this hand, and I will pass, then I will cut this hand, यहाँ हाथ काटूँगा, फिर इसको मैं pass करूँगा, okay, या इधर जहाँ मुझे सूटेबल होगा। इसे थोड़ा सा रेगुलर स्पीड में करते हैं। दो एंगल, वन एंगल, टू एंगल, थ्री एंगल, फोर एंड एंगल फाइव। ये सेल्फ डिफेंस में आप लोगों को अगर हमें नाइफ के अटैक समझ में आते हैं तो हम इसको काउंटर करना इजी हो जाता है, इसलिए हम इसे डेली प्रैक्टिस में अपना लाते हैं। तो आपने देखा होगा कि क्लासेस में भी आप लोगों को ये डेली प्रैक्टिस के लिए बोला जाता है। चलिए अब हम इसे अगर पूरी ड्रिल को देखें तो इस तरह से होगा, वन कट, देन आई विल पास इट एंड चेंज द एंगल, आई विल गो दिस साइड, कट कट कट, थ्री कट, देन एंगल टू, आई विल कट हियर, गो दिस साइड, आई विल हिट हिट, गो दिस साइड, नाउ आई विल कट, पास, आई विल कट हियर, देन पास दिस, देन अगेन दिस साइड एंड आई विल पास। हर एंगल का जो काउंटर है वो कई तरह से काउंटर हो सकता है। जैसे एंगल वन दो, एंगल वन मैंने ये काउंटर किया है अभी, ओके, एंगल वन, एंगल वन का ये काउंटर किया है, एंगल वन मैंने ये काउंटर किया है डायरेक्टली यहाँ प्लेस करने के बजाय। अगर मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि ठीक है मेरा हाथ यहाँ तक पहुँच सकता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ काउंटर कर लूँगा या फेस में काउंटर कर लूँगा इस तरफ को, ओके, दो एंगल वन मैंने इस तरफ को काउंटर किया है, आई विल कट दिस, आई विल गो एंड कट हियर, देन आई कैन डिसआर्म और व्हाटएवर। तो यहाँ से आप लोगों के मींस कोई एक फिक्स जगह नहीं है उसे करने की, क्योंकि हम एक क्लास में एक शेड्यूल होता है कि हम कैसे सीखेंगे। तो पहला काउंटर हमें यही सीखना है, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ओके, तो हमारा जो पहली ड्रिल है वो यही है।
अगर आप घर में कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें आप लोगों को छोड़ देनी है। सबसे पहले आपको टच करना है वन, इसे टच करना है आप लोगों को और ये हाथ आपका सेंटर में रहेगा। टू, थ्री, फोर एंड फाइव, ये तो आपको इसी तरह से इसे अगर हम थोड़ा सा रेगुलर स्पीड में करें वन वन टू थ्री फोर एंड फाइव मैसेज, तो आपको आपकी जो मूव बॉडी है जब आप इस तरह से मूव होते हैं तो आप नाइफ के एंगल से बाहर जाना सीखते हैं। ओके नाउ गिव मी एंगल वन, दिस इज वन कट हियर, आई विल कट इट। नाउ एंगल टू, एंगल टू पास हियर दिस साइड, एंगल थ्री यू विल पास हियर, यू कैन कट हियर, एंगल फोर दिस कट पास, देन फाइव दिस। नाउ फ्रॉम फाइव I usually use this. From here, when I tap here, 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 I will just take the eye or the face. So, bang, this is. Raise it, cut it, pass. Now you can cut wherever you want to cut. जहाँ आपको कट करना है. So, last में एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो WhatsApp का नंबर आप लोगों की वीडियो पर फ्लैश हो रहा है. आप लोग हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं डेली, उसमें आप लोगों को इस तरह की क्लासेस मिलेंगी। उसमें उसके साथ ही साथ हमारा एक डिस्कशन ग्रुप चलता है जिसमें आप लोग अपनी वीडियो शेयर करते हैं और उस वीडियो को एनालाइज किया जाता है और फिर आप लोगों का जो संडे है, संडे में हम जूम क्लासेस में आपको फेस टू फेस देख सकते हैं और चीज़ों को आप लोगों को वहाँ पर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।